नमस्कार बंधुरा, स्टाडी डट कम यूट्यूब चैनल पक्ष के सकल के स्वागत जाना। आज के खूब ही एक गुरुत्वपूर्ण विषय तो बर्तमान के कौन पदे रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट इन इंडिया नहीं आलोचना करब, जहा प्रत्येक परीक्षा एक ना दुटो को प्रश्न एसे ही थे। रेल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पीएससी, बैंक परीक्षार जो खूब ही गुरुत्वपूर्ण। बंधुरा भिडियो पुरो देखें स्किप ना करे, जाते कोनो प्रश्न ही मिस ना परीक्षा हाले। चैनल नतून हमले प्लिज सबसक्राइब कर और पशे थका बेल आइकने क्लिक करबें, जैसे परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन पे जान। आज प्रथम प्रश्न देखे ना जा, सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति नाम कि? बर्तमान सुप्रीम कोर्ट विचारपति हलन एन वि रमाना, 48वां चीफ जस्टिस अफ इंडिया एवं सुप्रीम कोर्टर विचारपति नियोग कर प्रेसिडेंट अफ इंडिया, ये आर्टिकल 124 2 ए आश्न। भारत अटर्नी जेनारे के? बर्तमान भारत अटर्नी जेनारे हलन के वेणुगोपाल। अटर्नी जेनारे काज हलो भारत गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर देवा, भारत संविधान 76वां धारा रही है। पर प्रश्न, भारत सेना बाहिनी प्रधान के? मनोज मुकुद नारवाने हलन भारत सेना बाहिनी प्रधान। पर प्रश्न, भारत विमान बाहिनी प्रधान के? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हलन भारत विमान बाहिनी प्रधान। 5 नम्बर प्रश्न, भारत नौबाहिनी प्रधान के? एडमिरल करमबीर सिंह हलन भारत नौबाहिनी प्रधान। 6 नम्बर प्रश्न, भारत राष्ट्रपति नाम कि? रामनाथ कोविंद हलन भारत राष्ट्रपति बर्तमान एवं 14वां राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इम्पीचमेंट व्यापार्ट हल बंधुरा 61वां धारा रही है भारत संविधान, पार्लामेंटर 2/3 सदस्य मेजरिटी द्वारा उपस्थापन करा। 7 नम्बर प्रश्न, भारत उपराष्ट्रपति नाम कि? एम वेंकैया नायडू हल भारत उपराष्ट्रपति, 13वां उपराष्ट्रपति। 8 नम्बर प्रश्न, राज्यसभा चेयरमैन के? उपराष्ट्रपति राज्यसभा चेयरमैन हो थाकें, एम वेंकैया नायडू हलन राज्यसभा चेयरमैन। 9 नम्बर प्रश्न, लोकसभा स्पीकर के? ओम बिड़ला हलन लोकसभा स्पीकर। लोकसभा डेपुटी स्पीकर नाम कि? एम थाम्बुदुराई हलन लोकसभा डेपुटी स्पीकर। 11 नम्बर प्रश्न, भारत मुख्य निर्वाचन कमिशनर के? भारत मुख्य निर्वाचन कमिशनर बर्तमान सुनील चंद्र। 12 नम्बर प्रश्न, भारत कैबिनेट सचिव बर्तमान के आछेन? भारत कैबिनेट सचिव आछेन बर्तमान राजीव गौबे। आज के 13 नम्बर प्रश्न बंधुरा, भारत जातीय निरापत्ता उपदेष्टा के? अर्थात भारत जातीय निरापत्ता जे धारणा तथा सुरक्षा प्रदान करार जे उपदेष्टा हलन अजित कुमार दोभाल। 14 नम्बर प्रश्न, आज के डीआरडीओर डायरेक्टर जेनारे के? बर्तमान डीआरडीओ डायरेक्टर जेनारे हलन डॉक्टर सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। 15 नम्बर प्रश्न बंधुरा, भारत अर्थ सचिव नाम कि? बर्तमान भारत अर्थ सचिव हलन अजय भूषण पांडे। खूब गुरुत्वपूर्ण प्रश्न बंधुरा, जो परीक्षा आसते पे। 16 नम्बर प्रश्न, एनआईए डायरेक्टर जेनारे के? उत्तर हलन कुलदीप सिंह हलन बर्तमान एनआईए डायरेक्टर जेनारे। 18 नम्बर प्रश्न, आईबी डायरेक्टर जेनारे के? बर्तमान आईबी डायरेक्टर जेनारे हलन अरविंद कुमार। 19 नम्बर प्रश्न, आज के बंधुरा सीबीआई एर डायरेक्टर जेनारे के? बर्तमान सीबीआई डायरेक्टर जेनारे हलन सुबोध कुमार जयसवाल। खूब गुरुत्वपूर्ण प्रश्नरा प्रश्न बंधुरा, ग्रुप डी ए सामने हवा ग्रुप डी और एनटीपीसी जो खूब गुरुत्वपूर्ण। पर प्रश्न, रॉ डायरेक्टर के? उत्तर हलो सामंत कुमार गोयल हलन बर्तमान रॉ डायरेक्टर। 21 नम्बर प्रश्न, आज के बंधुरा बीएसएफ एर डायरेक्टर जेनारे के? सठिक उत्तर राकेश अस्ताना हलन बीएसएफ एर डायरेक्टर जेनारे। आज के 22 नम्बर प्रश्न, सीआरपीएफ एर डिजि के आछेन? बर्तमान सीआरपीएफ एर डिजि हलन कुलदीप सिंह। खूब गुरुत्वपूर्ण प्रश्नरा बंधुरा। 23 नम्बर प्रश्न, आज के नीति आयोग एर चेयरमैन के? तो नीति आयोग चेयरमैन हल बर्तमान माननीय नरेंद्र मोदी, अर्थात हमारे प्रधानमंत्री। नीति आयोग चेयरमैन जे प्रधानमंत्री हो थाकें सेई थाकें। 24 नम्बर प्रश्न, नीति आयोग वाइस चेयरमैन के? उत्तर हलो डॉक्टर राजीव कुमार हलन वाइस चेयरमैन। 25 नम्बर प्रश्न, नीति आयोग सीईओर नाम कि? सीईओ के आछे बर्तमान? सठिक उत्तर हलो अमिताभ कांत। बंधुरा तीनटे प्रश्न खूब गुरुत्वपूर्ण।
পরীক্ষা আসার মতো। আজকে 26 নম্বর প্রশ্ন, ইসরোর চেয়ারম্যানের নাম কি? বর্তমান ইসরোর চেয়ারম্যান কে? কে শিবন হলেন বর্তমান ইসরোর চেয়ারম্যান। 27 নম্বর প্রশ্ন, বিসিসিআইয়ের বর্তমান চেয়ারম্যান কে? বিসিসিআইয়ের বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। বন্ধুরা 28 নম্বর প্রশ্ন, আজকের ইউপিএসসির চেয়ারম্যানের নাম কি? ইউপিএসসির চেয়ারম্যানের নাম হলেন প্রদীপ কুমার যোশী। আজকের 29 নম্বর প্রশ্ন, সেল দ্য স্টিল অথরিটি ইন্ডিয়া লিমিটেড এর চেয়ারম্যানের নাম কি? সোমা মণ্ডল। এনটিপিসি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা যে মহারত্ন কোম্পানিগুলো আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো সেল। আজকে লাস্ট প্রশ্ন, নাবার্ডের চেয়ারম্যান কে? নাবার্ডের চেয়ারম্যান হলেন জিআর চিন্তালা। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? 1982 সালে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটি নাবার্ড বন্ধুরা, এটি কি ভারতের কৃষি ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সহযোগিতা করে থাকে, এর জন্য এটিকে 1992 সালে গঠন করা হয়। ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যান। ধন্যবাদ।